क्लास नाइन्थ चैप्टर सिक्स है आपका टिश्यू। इसमें जो पोर्शन करेंगे एनिमल टिश्यू, तो इसे एनसीईआरटी से नहीं कर रहे, अलग बुक से कर रहे हैं, थोड़ा डायरेक्ट नोट्स की फॉर्मेट में। एनिमल टिश्यू के चार मेन टाइप है, जिसमें से सबसे पहला आता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या है? कवर द आउटर एंड इंटरनल सरफेस। एक्चुअली ये सरफेस को कवर करता है, जैसे हमारी बॉडी के आउटर सरफेस को मान ले हम, तो एपिथेलियल टिश्यू बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है उनका सरफेस, अंदर से बाहर से हर तरफ से, आउटर एंड इंटरनल सरफेस ऑफ वेरियस बॉडी ऑर्गन्स। हमारे बॉडी ऑर्गन्स के बाहर और अंदर से हर सरफेस को कवर करने वाले टिश्यू को एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, ठीक है ना। तो कितने टाइप एनिमल टिश्यू के? चार टाइप। पहला टाइप एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है? कवर करता है किसको? बॉडी ऑर्गन्स के इंटरनल एंड आउटर सरफेसेस को। डिपेंडिंग अपॉन दी फंक्शंस के अकॉर्डिंग एपिथेलियल टिश्यू को बहुत सारे टाइप्स में बांट दिया हमने, डिवाइड कर दिया है। एनसीईआरटी में आप देखोगे अलग अलग फिगर बनाए हुए एपिथेलियल टिश्यू में, एक स्क्वायमस एपिथेलियम, कोल्यूमिनार एपिथेलियम कोलम जैसा, स्क्वायमस मतलब ये स्क्वायर जैसा सा फ्लैट सा, क्यूबॉइडल फिगर में देखो क्यूब जैसा, सीलिएटेड कोल्यूमिनार यानी कॉलम भी है और कॉलम के ऊपर ये जो डार्क डार्क है ना, एक्चुअली ये सीलिया है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसे फिंगर लाइक नजदीक नजदीक है इसलिए ऐसे पूरा डार्क हो गया है। और दूसरा ग्रैंडुलर एपिथेलियम। तो ये पांच अलग अलग टाइप हो गए किसके? एपिथेलियम टिश्यू के अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। इन्हें हम अलग से पढ़ेंगे, इनके फंक्शंस के डिटेल्स। मसल टिश्यू, मसल्स ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स आर मेड अप ऑफ एलोंगेटेड सेल्स। लंबी लंबी सेल्स होती हैं, स्पेशल सेल्स होती है जो मसल्स बनाती है हमारी बॉडी के अंदर, इन्हें मसल फाइबर कहेंगे हम। मूवमेंट ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स आर ड्यू टू मसल्स। हमारे जो बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं किस वजह से मूव करते हैं? मसल्स की वजह से मूव करते हैं। कैसे? मसल्स जो है हमारी बोन्स को खींचती हैं। ये देखो फिंगर है, यहाँ फिंगर में बोन है छोटी छोटी और आपस में मसल से कनेक्ट है। ब्रेन से जब मैसेज मिलेगा तो मसल स्ट्रेच हो जाएंगी और मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो दोनों हड्डियों को ऐसे खींच लेंगी और जब एक्सपेंड करेंगे तो ऐसे दूर हो जाएंगी और ये खुल जाएगी फिंगर। तो ये मसल्स की मूवमेंट से ही हमारे बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट जो है वो पॉसिबल है। मसल फाइबर के थ्री टाइप्स हैं। पहला स्ट्रेटेड मसल्स, जिन्हें स्केलेटल मसल भी कहते हैं, वॉलेंट्री मसल्स। स्केलेटल हमारी हड्डियों से कनेक्टेड है ये, हमारा वॉलेंट्री हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग ये अपनी शेप चेंज कर लेते हैं जिसकी वजह से मूव करते हैं। These muscles attach to bone and work according to our conscious will. हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग ये काम करती हैं। Hence also known as skeletal or voluntary muscles. The cell of these muscles are elongated, cylindrical, जैसे ऊपर डायग्राम में दिखाया हुआ है, unbranched, straight, सीधी है, ब्रांच नहीं है इनके, non-tapering, showing dark एंड लाइट बैंड, डार्क एंड लाइट बैंड बने हुए हैं, एंड कंटेन मैनी न्यूक्लियाई सिचुएटेड टुवर्ड द पेरिफेरी ऑफ मसल फाइबर। मसल फाइबर के चारों तरफ ये बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज दे दी हैं किसकी? स्केलेटल मसल्स की। सेकेंड है अनस्ट्रेटेड मसल्स, ये तो स्ट्रेटेड थी, अब अनस्ट्रेटेड स्मूथ मसल। इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री मतलब ये हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम नहीं करती हैं। इनका डायग्राम देख लो पेपर में, डायग्राम के अकॉर्डिंग नाम पूछ सकते हैं। आपको डायग्राम दे दिया, पूछ लेंगे ये कौन सी मसल्स हैं। प्रॉपर्टीज याद कर लेना, प्रॉपर्टीज अलग अलग दे देंगे, कहेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी इनके लिए है। तो ये देखो अनस्ट्रेटेड स्मूथ मसल्स, इनवॉलेंट्री हैं ये सारी। इनका डायग्राम को अच्छी तरह से ध्यान रखो। They are found in stomach, intestine, ureter, bronchi. Stomach में, intestine में, ureter में, bronchi में। These muscles do not work according to our will.
हैंस हमारी इच्छा से काम नहीं करती, इसके इनवॉलेंट्री कहेंगे हम इन्हें। सिंस दे डू नॉट हैव डार्क एंड लाइट बैंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्मूथ मसल्स। इसमें डार्क एंड लाइट बैंड नहीं है इसलिए स्मूथ मसल्स कहते हैं हम इसे। मसल सेल्स आर टैपिंग एट बोथ हैंड विद द सिंगल मसल एट द सेंटर। आप देखोगे दोनों हैंड से ये दूसरी मसल्स के नीचे दबी हुई हैं, थिन है, बीच में से थिक है, तो उसको लिखा टैपरिंग। थर्ड कार्डिक मसल, कार्डिक मतलब हार्ट की मसल्स, हमारे दिल की जो मसल्स उन्हें कार्डिक मसल्स कहेंगे। दीज आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन हार्ट। द सेल्स आर सिलेंड्रिकल, ये नीचे दी हुई है कार्डिक मसल्स, डायग्राम याद रखना, हमारे दिल में इस तरह की मसल्स हैं। ब्रांच है, सिलेंड्रिकल है, लाइट एंड डार्क बैंड है इसमें भी। दे डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, ये भी हमारी इच्छा से काम नहीं करती। और यही वो मसल्स हैं जो हमारे जन्म से लेके हमारी मृत्यु तक सारे जिंदगी ये काम करती रहती है, हार्ट को मूव कराती रहती है। हार्ट के मोशन के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी? कार्डिक मसल्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? कनेक्ट करता है, जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट। इट बाइंड सपोर्ट एंड पैक डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, अलग अलग ऑर्गन को एक साथ ये बांध के रखता है, पैक करके रखता है। इट ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, हार्मोन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट एंड एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स, इन सब चीजों को ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी यूज होगा। दिस टिश्यू इज कंपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड सेल डिस्ट्रीब्यूटेड इन मैट्रिक्स। इस टिश्यू में एक मैट्रिक्स है, सेल्स हैं जो मैट्रिक्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैट्रिक्स इज सॉलिड इन बोन, कनेक्टिव टिश्यू का एक एग्जांपल है बोन। बोन के अंदर जो मैट्रिक्स है वो सॉलिड है। कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा एग्जांपल है कार्टिलेज, इसके अंदर मैट्रिक्स सेमी सॉलिड है। और इसका तीसरा एग्जाम्पल है ब्लड। तो कनेक्टिव टिश्यू के तीन एग्जाम्पल हो गए, ध्यान देना, पहला बोन्स, दूसरा कार्टिलेज और तीसरा ब्लड। तो कनेक्टिव टिश्यू बोन, कार्टिलेज और ब्लड। वेरियस एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर बोन, कार्टिलेज, ब्लड। इन तीनों के मैट्रिक्स के बारे में बता दिया, इसके अलावा टेंडन्स, लिगामेंट एंड एडिपोज टिश्यू, ये तीन एग्जाम्पल और है। टेंडन्स, लिगामेंट और आपका सिक्स्थ है एडिपोज टिश्यू। बोन एंड कार्टिलेज जो हमने पहले लिखे थे, बोन एंड कार्टिलेज, हमारा जो स्केलेटल है हड्डियों का ढांचा मेड अप ऑफ बोन, बोन से मिलके बना, फ्लेक्सिबल नहीं है, और कार्टिलेज फ्लेक्सिबल है। बोन जो है वो हार्ड है, क्यों? क्योंकि कैल्शियम मैट्रिक्स के ऊपर डिपॉजिट है। बोन सेल्स आर नोन एज ऑस्टियोसाइट्स, बोन की सेल को ऑस्टियोसाइट्स कहेंगे। दे हैव हेवर्सियन कैनाल विच कंटेन ब्लड वेजल्स, और इनके अंदर रास्ते हैं, कैनाल्स हैं जिनमें से ब्लड पास होता है। एंड नर्व फाइबर पास होंगे, नर्व जो मैसेज ले जाते हैं ब्रेन तक और ब्रेन का मैसेज लेके आते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी सेल ऑफ कार्टिलेज आर नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स, कार्टिलेज के सेल को क्या कहेंगे? कॉन्ड्रोसाइट्स। एंड द मैट्रिक्स इज नॉट सॉलिड बट फ्लेक्सिबल, एग्जाम्पल ऑफ कार्टिलेज ईयर, हमारे कान के जो पिन्ना बाहर का दिख रहा है, नोज की टिप है। Some fishes have whole skeletal made up of cartilage. कुछ मछलियों में पूरा skeletal cartilage का भी मिलकर बना, उनमें bone होती ही नहीं। Example shark. तो ये हमारे नाक, कान, इनके ऊपर का हिस्सा cartilage से मिलकर बना है। Cartilage flexible है, इसकी cells को chondrocytes कहेंगे, ठीक है?
सर आपका माइक म्यूट है। टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन स्ट्रोंग है और ये मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं, जबकि लिगामेंट इलास्टिक है, रबड़ की तरह है और ये बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं। एरियोलर टिश्यू फॉर्म ए पैकिंग टिश्यू बिटवीन ऑर्गन्स लाइंग इन द बॉडी कैविटी। इस पे बहुत क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, क्वेश्चन में पूछते हैं कि बॉडी शरीर के अंदर जो कैविटी है टिश्यूज के बीच में, ऑर्गन के बीच में, उसको कौन फिल करता है। तो नीचे बहुत सारे नाम होंगे, उनमें से एरियोलर टिश्यू ध्यान रखना, बहुत पेपरों में अभी आया अभी जस्ट। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू। ब्लड एक लिक्विड है, ये भी कनेक्ट करता है। फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड के अंदर जो लिक्विड है फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसके अंदर बाकी सेल्स जो है वो होती है, उसे प्लाज्मा कहेंगे। प्लाज्मा के अंदर जो सेल्स है उन्हें ब्लड कार्पल्स कहेंगे। रेड ब्लड सेल्स है और व्हाइट ब्लड सेल्स, दो तरह की सेल्स ब्लड के अंदर है। व्हाइट ब्लड कार्प सेल्स देखो, W फॉर व्हाइट, B फॉर ब्लड और C फॉर कॉर्पल्स एंड प्लेटलेट्स ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। RBC कंटेन्स हीमोग्लोबिन। आपको पता है बचपन से पढ़ते आ रहे हो, रेड ब्लड कार्पल्स में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। कहां से? लंग्स से हमारे बॉडी पार्ट्स तक। और जो व्हाइट ब्लड कार्पल्स हैं, ये बॉडी का डिफेंस सिस्टम है जो बॉडी को डिजीज के अगेंस्ट फाइट कराता है। पैथोजेंस, पैथोजन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बाहर से बॉडी के अंदर घुस जाते हैं और शरीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो व्हाइट ब्लड सेल्स उनसे हमारे शरीर की रक्षा करता है, उनसे फाइट करता है। और प्लेटलेट क्या करती हैं? ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग का मतलब क्या है? खून जमना। जमने का मतलब जैसे तुम्हारे चोट लग गई है, कोई छोटी मोटी चोट है, तो थोड़ी देर बाद वहां से ब्लड आना बंद हो जाता है, तो वहां पे ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो अपना काम करते हैं, वहां के खून को सुखा के क्लोट बना देती है और वो क्लोट हमारे उस लीकेज को बंद कर देता है और खून का वेस्ट होना हमारा बंद हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा नर्वस टिश्यू, हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व, ये तीनों मिला के नर्वस टिश्यू बनाते हैं। कौन कौन? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व। और नर्वस टिश्यू के अंदर जो सेल है उसे न्यूरॉन कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूरॉन। और ये उसका डायग्राम है, ये लगभग 1 मीटर लंबी होती है, हमारी बॉडी की सबसे लंबी सेल है न्यूरॉन। यही इसका काम क्या है? हमारे बॉडी से जैसे मान लो मेरी फिंगर है, इस पे पेंसिल लग गई है, तो हमें कैसे पता लगेगा पेंसिल है? यहाँ पे जो सिग्नल है पेंसिल लगने से जो जनरेट हो रहा है, इस उंगली के थ्रू ये ब्रेन तक ये पूरा मैसेज चला जाता है और ब्रेन से वापस मैसेज हमारी बॉडी में हर पार्ट्स को आता है। तो किसके थ्रू? न्यूरॉन्स के थ्रू। ये न्यूरॉन एक तरह से हमारे शरीर के वायरिंग्स हैं, जैसे घर में तारों से करंट हर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के पास जाता है, ऐसे इन न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन के पास मैसेज जाता हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन से, और ब्रेन से वापस जो रिप्लाई है वो भी इन्हीं के थ्रू आते हैं। तो ये हमारी बॉडी की वायरिंग से मैसेज को कैरी करती है वन प्लेस टू अदर। ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी में डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स सिग्नल को रिसीव करते, रिसीव द सिग्नल सेल बॉडी के पास भेजते हैं। एक्सोन के थ्रू वो सिग्नल नर्व एंडिंग के पास चला जाता है, यहाँ वो सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। केमिकल सिग्नल इस गैप को क्रॉस करती है, नेक्स्ट न्यूरॉन तक सिग्नल पहुंचता है और फिर प्रोसीजर इसी तरह चलता है जब तक मैसेज ब्रेन तक नहीं पहुंच जाता। क्लियर है यहाँ तक?